बिस्पिल रामीम दिस इज आम एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पाकिस्तान फाइव मेजर इश्यूज टू वॉच इन 2023 2023 में पांच मेजर इश्यूज पाकिस्तान में देखे गए हैं वो कौन कौन से वो हम देखेंगे आज ठीक है अच्छा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर के हिसाब से ठीक है इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स के बहुत से टेक्स्ट रिसीव हुए ठीक है जो चाह रहे थे कि करंट अफेयर से रिलेवेंट कोई ना कोई वीडियोज़ अपलोड की जाए ठीक है तो बस स्टार्ट हो चुका है अब अच्छा जी अब देखिए इस स्लाइड में मैंने यहाँ पर लिखा है पॉलिटिक्स ओ बेस्ट पाकिस्तान इस पॉइंट से आप लोगों के जिन्हों में क्या आ रहा है सबसे पहले ये आएगा कि भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में ठीक है दैट्स वाई मैंने ये वर्ड यहाँ पर लिखना मुनासिब समझा पॉलिटिक्स और बेस्ट पाकिस्तान की पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा मसला है दैट इज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दैट इज़ पोलराइजेशन दैट इज़ पॉलिटिकल क्योर्स ठीक है तो वो देख लेते हैं हम लोग अच्छा जी सबसे पहला मसला है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पॉलराइजेशन एंड एन इलेक्शन ईयर अगर हम लोग बात करें पॉलिटिक्स की पॉलिटिक्स विल लाइकली कंज्यूम मच ऑफ पाकिस्तान टाइम एंड इट डिड इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ठीक है अगर हम लोग देखें तो दो हजार बाईस में पॉलिटिक्स ने पाकिस्तान का बहुत सा टाइम लिया ठीक है वही सब कुछ और उससे बहुत बढ़ कर दो हज़ार तेईस में भी वही सब कुछ हो रहा है पॉलिटिकल क्योस भरता जा रहा है पार्टीज आपस में लड़ती जा रही हैं उनको कोई कंसर्न नहीं है कि भाई अवाम किस रही है कोई कंसर्न नहीं है दे आर चाहे वो पीटीआई हो चाहे वो पी हो दे बोथ आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर ओन पावर उनका कोई कंसर्न एज सच पाकिस्तान के लिए नहीं है ठीक है अच्छा अब मैं इंशाल्लाह एक वीडियो और बनाऊंगी पी एम की ठीक है वहाँ पर मैं आप लोगों से पॉलिसीज डिस्कस करूँगी भाई आप लोगों को पता होना चाहिए कि दोनों की क्या क्या पॉलिसीज है वो किस तरह से मुल्क को चलाना चाह रहे हैं ठीक है अच्छा अब हम बात करते हैं पोलिटिक्स सॉरी पोलराइजेशन मीन्स दैट दी पीपल इन दंट्री आर डीपली डिवाइडेड इनटू टू और मोर अपोजिंग ग्रुप्स ओफन विद वेरी डिफरेंट ओपिनियंस एंड बिलीव ठीक है ये जो पोलराइजेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ना इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान के लोग जो कि एक झंडे के नीचे इकट्ठे खड़े होते हैं वो सबके सब क्या हो चुके हैं पोलराइज्ड पोलराइज्ड सोसाइटी आपकी बन चुकी है सेक्ट्स में डिवाइड हो चुकी है कुछ जो लोग हैं वो पीएमएलएन के साथ हैं कुछ बिलावल भुट्टो के साथ हैं कुछ जोन से हैं वो पी के साथ हैं ठीक है सबके सब अपने अपने ओपिनियन हैं ठीक है इवन के घरों में भी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं अगर कोई पी या पी एक दूसरे के ओपोजिट उपो, आ जाते हैं तो ठीक तो, है तो दैट्स वाई आपको पोलराइजेशन बहुत ज्यादा नजर आएगी पाकिस्तानी सोसाइटी में एन इलेक्शन ईयर अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एन इलेक्शन ईयर इलेक्शन ईयर का मतलब क्या होता है एन इलेक्शन ईयर इज अयर वेन अ कंट्री होल्ड इम्पोर्टेंट इलेक्शन टू चूज इट्स लीडर लाइक प्रेजिडेंट और मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट ठीक है मतलब इस साल क्या होने वाले हैं बड़ी इंपॉर्टेंट इलेक्शन होने वाले हैं ठीक है जैसे कि इस टाइम इंटरम गवर्नमेंट जो वो आ चुकी है पाकिस्तान में इसके बाद इलेक्शंस होंगे देन फाइनली डिसाइड होगा कि भाई पाकिस्तान का लीडर कौन होगा ठीक है सो दैट्स वे इसको एन इलेक्शन ईयर का नाम भी दिया गया है ठीक है अच्छा आगे चलते हैं दो हजार तेईस में दिखी गई आपने देखा जैसे ही पीटीआई के चेयरमैन को रेस्ट किया, तो किया जा रहा है इकोनॉमिक ट्रबल्स जो है वो फेस करनी पड़ी ठीक है वेल वो स्टोरी मैं आगे डिस्कस करूंगी अब इस लाइड में आपको इतना अंडरस्टैंड हो चुका है कि पोलिटिकल स्टेबिलिटी आपके मुल्क में पाई जाती है जो कि मेजर इशू है सबसे पहला इशू है पाकिस्तान का इंटरनल इशूज़ में अगर कोई है तो सबसे बड़ा इशू पोलिटिकल स्टेबिलिटी है पोलराइजेशन और इसके अलावा इलेक्शन ईयर मैंने आपसे डिस्कस करती है ठीक है अच्छा स्टोरी स्टार्ट हुई 2022 में ये 2023 से 2022 में स्टोरी स्टार्ट हुई थी स्टार्ट होती है नो कॉन्फिडेंस वोट से इससे पहले भी पी एम एल एन और पी टी आई इन दोनों का एक क्लैश रहा है और हमेशा ऐसे ही होते हैं कि भाई अपोजिट जो पार्टीज़ हैं एक दूसरे को ऐसे करती हैं वो एक चीज़ ठीक है लेकिन इस दफा क्या हुआ कि 2022 में नो कॉन्फिडेंस वोट इन पार्लियामेंट लास्ट अप्रैल दैट देन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फ्रॉम ऑफिस ठीक है नो कॉन्फिडेंस वोट पार्लियामेंट में जो हुआ ठीक है वो एक अलग से सिनेरियो वो अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी ठीक है वेल इसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान ठीक है उनको उनके सीट से हटा दिया गया ठीक है द स्ट्रगल फॉर पावर यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है दि स्ट्रगल फॉर पावर इन पाकिस्तान कंटिन्यूज इन 2023 जो स्टोरी शुरू होती है नो कॉन्फिडेंस वार्ड से दो हज़ार में वो जो स्टोरी है वो स्ट्रगल ऑफ पावर की जो स्टोरी है ठीक है वो अगैन 2023 में अभी भी चल रही है हर जो आपका लीडर है चाहे वो इमरान खान हो चाहे वो पी एम वाले हों ठीक है सब के सब सिर्फ पावर के लिए लड़ रहे हैं क्लियर आगे चलते हैं अच्छा अब है जी दी ऑन गोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पोलिटिकल क्राइसिस नॉट ओनली इम्पैक्ट जुडिशरी डेमोक्रेसी बट ऑल्सो एक्सटेंड टू मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये जो कुछ भी मुल्क में पोलिटिकल क्योर्स और पोलिटिकल क्राइसिस आए हुए हुए, हुए हैं ये ना कि सिर्फ आपकी जुडिशरी आपकी डेमोक्रेसी इन दोनों को हिट कर रहे हैं बल्कि आपकी जो माइक्रो इकोनॉमी की मैं बात नहीं कर रही हूँ मैक्रो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है उसको हिट कर करें जो कि बहुत ही सवेयर है आपकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है इस टाइम और ये वाकई ही परेशानी की बात है और आपको इस टाइम जब हाथ उठाते हैं ना दुआएं मांगने के लिए तो तब पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए भी दुआ किया कीजिए बहुत प्यारा मुल्क है पाकिस्तान लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली में वो इश्यूज़ हैं अदरवाइज़ पाकिस्तान बहुत प्यारा है ठीक है अच्छा पाकिस्तान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड फॉर फिस्कल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जा रही है फिगर Which starts in July and runs through next June are in the range of thirty five billion dollar to thirty six billion dollar ठीक है दो हजार चौबीस में जो बजट बनने जा रहा है पाकिस्तान का पाकिस्तान को एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन पैंतीस बिलियन डॉलर से छत्तीस बिलियन डॉलर की जरूरत है जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है ठीक है अच्छा अब ये सब कुछ तो हो रहा है ठीक है लेकिन इसने जो पब्लिक है पब्लिक के ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा अंडरमाइन कर दिया है आप देख रहे हैं कि जिस तरह बिजली के बिल आ रहे हैं कोई चालीस हज़ार पर ख़ुदकुशी कर रहा है ठीक है तो कोई साठ हज़ार पर ख़ुदकुशी कर रहा है कोई बीस हज़ार पर ख़ुदकुशी कर करे तो ये क्या है भाई ये ट्रस्ट डेफिसिट पब्लिक में डिवेल्प हो चुका है गवर्नमेंट से रेलीवेंट उनको पता है कि आपकी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर स्ट्रगल की एक जंग लड़ रहे हैं ठीक है क्लियर हो गया यहाँ पे आगे चलते हैं ये पॉइंट बड़ा मजे है सिक्सटी वन परसेंट ऑफ पाकिस्तानीज अ पॉजिटिव ओपिनियन अबाउट इमरान खान सौ फीसद आबादी अगर पाकिस्तान की फ़र्ज करो ठीक है उसमें से जो सिक्सटी वन परसेंट है वो इस टाइम इमरान खान के साथ खड़े हमें ठीक है वो कहते हैं कि भाई उनका पॉजिटिव है पॉजिटिव ओपिनियन है इमरान खान के लिए वो कहते हैं हम इमरान खान के साथ इमरान खान ठीक है ठीक है बाकी का जो छत्तीस परसेंट है ठीक है वो पी एम वाले नवाज शरीफ और इसके अलावा ज फ़ॉरन मिनिस्टर हैं ठीक है बराबर भुट्टो जरदारी उनके साथ हैं ठीक है थीके? अच्छा आगे हम बात करते हैं जी इमरान खान वो अच्छा स्टोरी आगे लेके चलते हैं ठीक है देखिए जैसे ही नो कॉन्फिडेंस वोट होता है ठीक है और आपने देखा कि मुल्क में प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे एक्स प्राइम मिनिस्टर ठीक है उन्होंने गवर्नमेंट के सामने एक डिमांड रखी कि भाई आप ऐसा करें कि जल्दी कौन से वो कंडक्ट करवाएं ठीक है बट ये पॉसिबल नहीं था इतना आसान नहीं होता कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की जो चीज़ें हैं उनको साइड पर रखकर और डिमांड पर मुल्क चलाना शुरू कर दो ये इतना पॉसिबल नहीं होता यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर करती जाऊँ कि मैं इस टाइम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ ना ही पी और ना ही पी ठीक है क्योंकि एक तो मैंने इससे पहले भी एक ऐसी वीडियो बनाई थी जिसमें पर पोलिटिकल स्टिबिलिटी मैंने साइड डिस्कस की थी और उसके बाद बहुत से लोगों ने कहा था आपका टिल्ट थोड़ा नजर आता है भाई किसी स्पेसिफिक पार्टी की तरफ नो मेरा किसी के साथ कोई कंसर्न नहीं है मैं सिर्फ पाकिस्तान के साथ हूँ जिस जो पाकिस्तान को फ़ायदा देगा मैं उसके साथ हूँ ठीक है अच्छा जी फिर उसके बाद है जी यस सॉरी ये पॉइंट रहता है हमारा अच्छा इमरान खान वॉज़ अरेस्टेड बाई द पुलिस फ्राम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑन नाइन्थ मई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ठीक है नौ मई दो हज़ार तेईस ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है ठीक है ये आपसे पूछी जा सकती है एम सी के उसमें इमरान खान को अरेस्ट कर दिया गया ठीक है और उसके बाद दो दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिलीज कर दिया ठीक है अच्छा फिर क्या हुआ जी फिफ्थ अगस्त 2023 इमरान खान वाज अगेन अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ सेलिंग स्टेट गिफ्ट्स एंड वाज सेंटेंस थ्री इयर्स जेल एंड फाइवर ऑफ डिसकॉलीफिकेशन बाय द ट्रायल कोर्ट जज ठीक है अब ट्रायल कोर्ट जज ने कहा कि इमरान खान जो उनको तीन साल की कैद सुना दी गई ठीक है और उनको पाँच साल के लिए डिसकॉलीफाई कर दिया गया ठीक है आगे सुने पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी की हद दिखे आज से कुछ पाँच छः दिन पहले ट्वेंटी नाइन्थ अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ठीक है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक मैसेज आता है पैगाम आता है कि भाई इमरान खान जो है उनके सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया गया क्या ये एक मजाक है कि आप रेस्ट कर रहे हो उसके बाद छोड़ रहे हो दो दिन बाद फिर रेस्ट कर रहे हो उसके बाद फिर कहते हो नहीं ये वो ठीक है अच्छा आप आप किसी की का भी भी मजाक मजाक उड़ा रहे हो, आप भी बना रहे हो हो अपना बना आगे चलते हैं तो ये था जी, एक छोटी सी स्टोरी थी ठीक है जो कि पॉलिटिकल पा, स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आपको नजर आएगी आगे चलते हैं नंबर टू दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेजर इशू इन पाकिस्तान प्रिकेरियस इकोनॉमिक सिचुएशन अब थोड़ी सी इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं इस टाइम जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन है ना ठीक है वो बहुत अनस्टेबल है अनसर्टन है ठीक है फॉरेन रिजर्व जो उनसे पाकिस्तान के पास है वो सिर्फ़ और सिर्फ फा फोर पॉइंट थ्री बिलियन डॉलर रह चुके हैं ठीक है थीके? जो आप समझे कि भाई एक महीने की सिर्फ इम्पोर्ट के पैसे पाकिस्तान के पास रह चुके हैं अल्लाह ना करे अगर मुल्क में किसी किस्म के नेचुरल डिज़ास्टर को फेस करना पड़ गया तो हमारे पास कुछ भी नहीं है ठीक है हम हमेशा दूसरों से ही मांगेंगे उस हाल में भी िटी और जो फ्लडिंग आई है ठीक है उससे इकोनॉमी बहुत बैड इम्पेक्ट पड़ा है अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भाई एक रिपोर्ट के मुताबिक दो हजार पच्चीस तक पाकिस्तान ने तिहत्तर बिलियन डॉलर पे बैक करना है और ये पॉसिबल नहीं है किसके अलावा डेप्ट के अलावा ठीक है कर्जा आपको लेना पड़ेगा ठीक है अगैन कर्जे में हम दबते जाएंगे मज़ीद आप देख सकते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल देख लें हाई इन्फ्लेशन आपको नजर आएगी रोज नज़र आता है कि पंद्रह पच्चीस रुपए पेट्रोल जो सा वो महंगा हो गया पेट्रोल महंगा हो गया हर चीज़ आपकी महंगी होती जाएगी उसके बाद फिजकल डेफिजिट आपको नजर आएगा आपके पास रेवेन्यू नहीं है आपके पास खर्चे बहुत ज़्यादा हैं ठीक है फ़ोरन डेप्थ आपको नजर आएगा पाकिस्तान में करंसी डिवैल्यू होती जा रही है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होने की वजह से क्राइम जोन है वो बढ़ता जा रहा है लो फॉरन रिजर्व हैं पाकिस्तान के ठीक है जो मैंने अभी आपको बताया ट्रेड आपकी इम्बैलेंस है एक्सपोर्ट कम में इम्पोर्ट ज़्यादा है आपकी एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस होने की वजह से लोग इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा रहे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है तो इंडस्ट्रीज किस तरह चलेंगी आप अच्छा उसके बाद है जी फ्लड रिकवरी की हम लोग बात करेंगे ठीक है फ्लड रिकवरी में ठीक है आपको पता है कि मानसून uh, रेनफॉल की वजह से क्या हुआ है जी क्लाइमेट का एक इम्पेक्ट आया है बारिशें ज़्यादा हो रही हैं ठीक है इसकी वजह से फ्लडिंग पाकिस्तान में देखिए कि समर फ्लडिंग ठीक है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट uh, आया आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर इम्पैक्ट आया है ठीक है और इसके अलावा आपकी इकोनॉमी भी आया है आप देखेंगे कि पाकिस्तान में uh, बहुत सी शॉर्ट टर्म्स प्लानिंग्स की गई हैं डेवलपमेंट्स की लॉन्ग टर्म्स प्लानिंग्स की गई हैं डेवलपमेंट्स की ठीक है लेकिन Uh, हर चीज़ के लिए आपको पैसा चाहिए ठीक है अब देखो इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप uh, uh, सॉरी डिस्ट्रक्शन हुई है उसके लिए भी पैसा चाहिए और एक टाइम चाहिए ठीक है तो uh, एक तो, तो पाकिस्तान जोन से वो बहुत ज़्यादा uh, अनस्टेबल हो चुका है ठीक है अच्छा उसके बाद मैं माउंटिंग इनसेटी की बात करूँगी इसमें अगर मैं बात करूँगी तो मैं सबसे पहले बात करूँगी टी, -टी की ठीक है टी, -टी बेसिकली क्या है जी तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनको आप पाकिस्तानी तालिबान भी कह सकते हैं ठीक है थीके? अच्छा ये बेसिकली बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान 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 की की सॉरी को सिक्योरिटी के, के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है अब टीटीपी बेसिकली है क्या ये एक टेररिस्ट ग्रुप है ठीक है दैट ऑपरेट विद इन इट्स बॉर्डर मैंने यहाँ पे लिखा मतलब पाकिस्तान के अंदर बलोचि में ये ऑपरेट कर रहे हैं ठीक है थीके? अच्छा अब ये बेसिकली ऐसा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जिसने बहुत से सिविलियन अटैक्स किए हैं ठीक है थीके? और इसका जो फंडामेंटल जो बेसिकली uh, ऑब्जेक्टिव है ना वो ये है कि इस टाइम जो पाकिस्तानी स्टेट है और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है ठीक है कि उसको नहीं मानता ठीक है ये क्या कहता है फिर वो मैं आपको आगे बताती हूँ अच्छा जी पहले आगे चलते हैं उसके बाद दोबारा गैन उस राइड पर जाएंगे हम ऑब्जेक्टिव क्या है इनका टीटी पी मेन ऑब्जेक्टिव इंक्लूड ओवर थ्रोइंग दी पाकिस्तानी गवर्नमेंट Establishing a strict Islamic state in Pakistan Pakistan Pakistan. and opposing Pakistan alliance with the United States. it has been responsible for numerous terrorist attacks within जो उनको इम्पोज करके और स्ट्रिक्ट इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान को बनाना है ठीक है हम आपकी गवर्नमेंट को नहीं मानते हैं और ना ही हमें ये पसंद है कि आपके जो तलुकात यूएस के साथ ना वो भी हमें पसंद नहीं है ठीक है मतलब जहाँ पर कि ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के तल्ल यू एस के साथ ना हों तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक सुपर पावर के साथ अपने ताल्लुक ख़राब करेंगे तो हम आइसोलेट हो जाएंगे देन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ जी इंटरनेशनल कंसर्न इंटरनेशनल कंसर्न की बात करूँ ठीक है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो इशूज़ हैं वो इनकी वजह से हैं ठीक है और इंटरनेशनल कम्यूनिटी की अगर मैं बात करूँ ठीक है तो यूनाइट स्टेट भी उसमें आएगी ठीक है तो अगर आ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इश्यूज रिजॉल्व करने हैं ठीक है तो इनको काउंटर करना पड़ेगा ठीक है जो बहुत हद तक पाकिस्तान की जो आर्मी है वो कर भी रही है अच्छा इसके अलावा बॉर्डर इश्यूज इनके अलावा भी पाकिस्तान को बहुत से बॉर्डर इशू हैं ठीक है जैसे कि बलूचिस्तान के एरिया में ट्राइबल एरियाज़ में आ, आपको इंस्टेबलिटी नज़र आएगी स्मगलिंग नज़र आएगी ड्रग ट्रैफिकिंग नज़र आएगी बहुत सी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी इन एरियाज में ठीक है अच्छा अब हम आगे चलते हैं अच्छा एक सेकेंड यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था स्टेट्स टीटीपी है फेल्ड हमारे जो स्टेट है वो चाह रही है कि अच्छे तरीके से हो टीटीपी से, लेकिन आ, बार बार फेल होता जा रहा है ठीक है इवन के तालिबान ने भी कोशिश की कि भाई बैठ कर बात कर लीजिए ठीक है लेकिन मामला अभी तक सही नहीं हो पा रहे हैं सिविल मिलिट्री रिलेशंस अच्छा जी यहाँ आप लिखे पाकिस्तान हैज़ ए न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एज ऑफ नवंबर ट्वेंटी नाइन्थ लास्ट ईयर जनरल आसिम मुनीर रिप्लेस्ड जनरल कमर जवेद बाजवा ठीक है जो जनरल कमर जवेद बाजवा थे ठीक है इनको रिप्लेस करके जनरल आसिम मुनीर आए हैं ठीक है थीके? और इंटरवेंशन की मैं बात करूँ ठीक है तो आप लोग हम लोग पाकिस्तान के बिल्कुल स्टार्ट से ही फेस करें कि पाकिस्तान जो उनकी जो मिलिट्री है जो आर्मी है वो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके जो जो भी इंटरनल अफेयर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा उनकी इंटरवेंशन है ठीक है आपको हिस्ट्री आपको पता है कि भाई किस तरह आ, जो मिलिट्री थी वो कॉप कर देती थी पाकिस्तान में ठीक है जब भी मुल्क में कोई मिस मैनेजमेंट होती है कोई करप्शन होती है ठीक तो, है तो जो मिलिट्री है ठीक है वो आ है लेकिन पाकिस्तान का ना एक अलग ही यहाँ पर रोल है कैसे आपने देखा होगा कि भाई जब पी एम एल एन की हुकूमत आई थी कि उन्होंने भी आर्मी को बहुत ज़्यादा अपने जो मुल्क के मामला थे उसमें इंटरफेयर करने दिया उनको ठीक है फिर पी पी टी आई की गवर्नमेंट में भी इवन के अगर इंटरनेशनल उनके कोई विजिट्स भी को होते उसमें भी आर्मी के कुछ बंदे उनके साथ जाते थे ऐसा नहीं होना चाहिए आर्मी का काम है आपकी आपको सिक्योरिटी देना ठीक है आपके मुल्क की सिक्योरिटी को मेंटेन करना और आपकी गवर्नमेंट का काम है आपके मुल्क को चलाना पुलिसिस डिज़ाइन करना रादर दैन दिस के आप भाई पावर स्ट्रगल करते जाओ और मिलकर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाओ ठीक है सो so, ये जो इस टाइम सिविल मिलिट्री रिलेशन जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इमरान खान का भी इशू जो है वो आर्मी के साथ हुआ ठीक है और जब पी एम एल एन की गवर्नमेंट गई थी तब भी उनका इशू इशूज था वो आर्मी के साथ था ठीक है सो दीज आर फाइव मेजर इशूज इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू रेट यूर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन बिल लो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ आई एमंट येट मिलती हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़